या ये छोटे मिलते हैं प्रकाश का उजाला, क्या? ये बड़े प्रकाश का उजाला, दोनों हमारे आने वाले भविष्य के चमकदार सितारे, सारे दोनों दोनों प्रकाशों के लाइट हैं ये। लाइट ये हेलो ऐसे करके हाल हेलो बोलते हैं, ऐसे हाथ ऐसे करके। हेलो हाय नमस्कार और प्रणाम आप सभी को मेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो कल के बारिश के बाद थोड़ा सा आज भी बारिश ही थी, लेकिन सुबह सुबह मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, देख सकते हो आप चारों तरफ। और कोर्ट में काफ़ी नुकसान हुआ और आप लोगों के वहाँ भी हुआ होगा, मतलब कहीं कहीं एरिया में हुआ और कहीं कहीं नहीं हुआ, कम बारिश, लेकिन इस एरिया में बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई। और सरयू नदी भी काफ़ी उफान पर है। मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग जितना हो सके घर ही रहना, तो घर ही रहना इस मौसम में जितना हो सके। तो फिलहाल ब्लॉग स्टार्टिंग कर ही लेती हूँ और बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। यहाँ पर ये देखो, ये बंदर मरा है या जिंदा है ऐसे पता नहीं चल रहा है। कितने मज़े से लेटा है। तो कल तो पार साइड को काफ़ी दलदल मिट्टी मिट्टी आ गया था, यहाँ पे वाले में दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इधर वाले में एरिया में काफ़ी हरा भरा दिख रहा है, आप देख सकते हो। और ऊपर गधेरे से पानी तो आ ही रहा है। पार्क को रोड साइड को मशीन ने साफ कर दिया, फिर भी रोटी रोड अभी बना हुआ है दलदल। वो जहाँ जहाँ खेतों में पीला पीला दिख रहा है वो सब दलदल आया। और बाकी तो व्यू मस्त आ रहा है अभी, देख सकते हो आप। और मैं आप लोगों से इसलिए सलाह दे रही हूँ कि घर में ही रहिए, क्योंकि कल परसों मतलब जिन दिनों भागवत थे उन दिनों श्रद्धालु शिखर मंदिर में तो आए थे, लेकिन इस बरसात के सीज़न में ऐसे ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जाना बिल्कुल ही अवॉइड करें, मतलब घर में ही रहें। तो कल चार बच्चे गए थे यहीं के ऊपर, वो गिर गया, जो आसमानी बिजली होती ना वज्र पड़ना, तो वो हो गया और उसकी मौत हो गई वहाँ। तो ऐसी जगहों में मतलब ऊँचे ऊँचे जो पहाड़ी वाले एरिया होते उनमें जाना बिल्कुल ऐसा ना करें कि ऐसे ऐसे मौसम में ये वज्र गिरना, बिजली गिरना जिसे कहते हैं, वो गिरती है और काफ़ी नुकसान होता है। तो कल इस एरिया के साथ साथ वो भी बुरा हुआ, मतलब कल दिन की बात है ये। बाकी किचन का काम सुबह ही डन हो गया था और आपको ये वीडियो थोड़ी लेट मिलेंगे क्योंकि एक दो दिन लेट ब्लॉग चल रहे हैं। अगर पहाड़ों में दो तीन दिन तक लगातार बारिश हो तो यहाँ पे नेटवर्क, लाइट, पानी सब व्यवस्था ठप हो जाती है। तो कुछ ऐसा माहौल यहाँ पे हो रहा है। लाइट तो नहीं है, इन्वर्टर चल रहा है रात से। कल दिन में थोड़ी सी आ गई थी, फिर रात को चली गई थी। और नेटवर्क है, वाईफाई बिल्कुल बंद है। और जियो का नेटवर्क है मेरा, नेट डाला था मायके में, नेट चलाऊंगी करके वहां चलानी, और यहाँ भी नहीं चल रहा है। तो उस दुकान के बाद सीधे अभी आ गई हूँ मैं घर में, फिर से किचन में। अभी बोल लूंगी आप किचन से गई, किचन में ही आ गई। तो दिन का समय हो गया है खाना बनाने का और खाने में मैंने बड़ी गड़बड़ कर दी। सो अभी दिन के 1:30 बजे हैं और सब ने कपड़े धो लिए हैं और लाइट भी आ गई है और पानी भी आ गया है, तो मैंने पानी लगाया। अगर इस बरसात के सीजन में 2-3 दिन में कपड़े नहीं सूखे तो इतनी खतरनाक बदबू आती है, तो अच्छा हुआ धूप आ गई और सूख जाएंगे। अब यहाँ से चलते हैं दीदी के किचन में। ये देखो बुआ लोगों की खातिरदारी आज यहाँ हो रही है। आज यहाँ हो आप मेहमान? क्या क्या है मेहमानी में आज? गाय चटनी है, सलाद है, हरी मिर्च है और भुनी हुई मिर्च है और चावल है और ये है। मैं आज लबला पाट है गो लबला। देखो ये हर किसी का हो जाएगा ऐसा देख के। तो ये मिलो खयाने ये पुष्पा दीदी होते यहाँ पर तो ये भी खाते है, किस्मत नहीं भाई तुम्हारा। आ गई तो पुष्पा दीदी है और आज बुआ लोगों की वहाँ बुआ लोगों की खातिरदारी दीदी करा रहे हैं। फिर बाकी और किचन में कौन कौन है? दो कुक, एक बबली कुक है और दीदी है। चलो बढ़िया बनाया है, दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। वाह नहीं खा लो खा लो, नहीं नहीं मैंने बना लिया है। पान मिल लगा रहो। ये देखो मामी आए हैं घर से कितने समय बाद।
अरे मैक्सी लगाया अब मैं यहाँ पर बहुत मस्त मस्त फूल दिखाने आई हूँ आपको, कितना बढ़िया फूलों का बगीचा हुआ है। ये देखो यहाँ से सरयू नदी कितनी उमड़ रखी है, पूरी गंदी हो रखी है। ये देखो बबली मुझे चटनी दे रही है अभी, अब खाते हाँ तो लाइट ही नहीं थी, हाथ से बनाई है बस, तो मस्त लग रही है। पता नहीं कुछ आया है पार्सल, तो दोस्तों ढाई हो गया आज। आज नमो के पापा ने इतनी देर कर दी यार खाने में, तो आज नमो के पापा ने इतनी देर कर दी। वहाँ का खाना देखा मैं तो ललचाई में रहेगी, इतना टेस्टी खाना लग रहा था ना वहाँ हिमुद्रा के घर में। जब मैं गई थी डेढ़ बजे, अब ढाई हो गया, इतने एक घंटे तक मैंने भूख का वेट किया सब इनकी वजह से। अरे भाग गए, अभी वहीं आऊंगी। तो यहाँ पे नमू दाल खा रहा है क्योंकि ये शाकाहारी है और हम खाएंगे वही। और बस खाना खाते समय पति देव जी हाथ पड़ते हैं, तो मैं वीडियो में ले लेती हूँ, ऐसे ही करके इनकी आदत बनानी है। हेलो बोल दो उधर से, हेलो बोल दो। चलो कहाँ चलो कहाँ चलो, खाना खाने चलो, अरे यहीं पर खाएंगे। हेलो ऐसे करके हाल हेलो बोलते हैं, ऐसे हाथ ऐसे करके तो ऐसे करके आदत बनाऊंगी दोस्तों, तो एक दिन जरूर बोलेंगे आपसे, ब्लॉग की शुरुआत कराऊंगी एक दिन, ठीक है ना। चाहिए नहीं चाहिए पैसे यूट्यूब से चाहिए नहीं चाहिए। तो ले लिया जब आई थी। तो दोस्तों खाना खा के हम आ गए हैं कमरे में, और कमरे में आए हैं हमारे बहुत दिनों बाद भानुमति। और कैसा लगा घर में? अच्छा। और यहाँ मिस किया नहीं, टीवी देखता था, गेम देखता था टीवी में। अब कौन से चैलेंज वाले वीडियो बनाएंगे हम? इंग्लिश चैलेंज। कितने समय से लगा था दोस्तों चैलेंज वाला वीडियो, चैलेंज वाला वीडियो, फिर छुट्टियां लग गई थी, घर चले गया था, अब तो आ गए हैं दोनों। मयंक कहाँ गया? मयंक तो नमू की चेहरे पे भी थोड़ी रंगत आ गई है क्योंकि इसके दोस्त हो गए इसके साथ खेलने वाले। हाँ तुम दोनों येलो येलो हो, और घर में मजे किए थे तूने, और सब्सक्राइब करो तो बोल दो लोगों को। सब्सक्राइब और लाइक कर देना। ये देखो दोस्तों कितना शुद्ध बोलता है सब्सक्राइब, वैसे सब्सक्राइब होता है लेकिन मैं कहती हूँ सब्सक्राइब, लेकिन जो सब्सक्राइब होता है वो शुद्ध वर्ड होता है, तो भानु एकदम शुद्ध बोलता है सब्सक्राइब ना। भानुमती है ये जीवन बने का डोंट तो दोस्तों खाना वाना खा लिया, थोड़ा सा आराम करते हैं फिर मिलते हैं। ये देखो दोनों भाई यहाँ पे क्या हुआ? अरे भाइयो हेलो भाइयो, भाई 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 बोल भाई, पता नहीं मेरा छोटा भाई है बोल। अरे बोल क्यों नहीं रहा है? अच्छा। अरे रवि की शादी, ये इसे बात करना चाहता है, ये छोटू ये बोल ही नहीं दे रहा है, कितनी शर्म है इसको। ये जा जा नजदीक जा, थप्पड़ मारेगा वो, थप्पड़ मार मालो, थप्पड़ ले मुक्का मालो, एक एक और ये एक और दिच्छम 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 बोल 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 बोलना। गीत भी गाते हैं एक गोद में पकड़ के, पहली पहली बार गोदी में आया है, और गिरा मत देना, गिराना मत देना। ये कौन सा ईश्वर? ईश्वर छोटा प्रकाश का और बड़े प्रकाश के दो उजाले यहाँ पे, दो उजाले मेरा नातिया। ये छोटे प्रकाश का उजाला, ये बड़े प्रकाश का उजाला, दोनों हमारे आने वाले भविष्य के चमकदार सितारे, दोनों प्रकाशों के लाइट हैं ये, हैं? हो ना। मेरा प्यारा भैया है तमाशा ये अम्माओं के दो नाती
पहली बार पकड़ा नमो ने गोदी में आज ढाई महीने बाद। ये मेरा दो नातिया है, ये छोटे नाती है, बड़ा वाला बहुत उजीर्ण है, लेकिन बड़ा वाला तो बहुत उजीर्ण है, अभी वैसे हो रहा है ये उसके तकिया मामले तो काश हो रहा होगा बुढ़ा। तो दोस्तों चाची के वहाँ से आ गई हूँ कमरे में। ये बुआ का जो पर्सनल सूट सिला था इसको प्रेस करना है, और साथ ही एक और सूट भी है प्रेस करना, फिर वहीं जाऊंगी वहाँ पहुँचाने। और मैंने रोटी सब्जी कर ली है आज, थोड़ा सा आज सब्जी नहीं बनाया, थोड़ा दिन का दाल था, थोड़ा सब्जी था, तो उसी को हम अभी रात को खाएंगे। बस तीन परिवार में कम जने हो तो हो ही जाता है। जो परिवार भारी समस्या थी शाम को क्या सब्जी बनाने वाली, वो सॉल्व हो गई मेरी। और तो बाकी इसको प्रेस करूँगी, फिर वहीं जाइए बैठने, थोड़ा बुआ लोग भी कल चले जाएंगे तो थोड़े साथ में बैठेंगे। और मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ मैं। और आप लोगों को फिर से कहना चाहती हूँ कि घर से बाहर ना ही निकले ऐसे मौसम में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं पर बिजली गिरना, कहीं पर भूस्खलन, और मतलब अब हादसा होने को तो घर में भी हो सकते हैं, लेकिन जितना हो सके घर से बाहर निकलने का कम ही सोचें। मतलब ऐसे ऊंचे ऊंचे शिखरों में जो हादसा हुआ है आज, तो कोई कह रहे हैं ऊपर भावर बिंदुखत्ता साइड से आए थे घर, कोई कहीं का, कोई कहीं का, अब समझ भी नहीं आया कहाँ के थे वो, मतलब जो थे, मतलब हादसा हुआ है, बज्र पड़ के उसकी मौत हुई है, चार लोग गए थे वो साथ में। तो कह रहे थे कि फ़ोन हाथ में ऑन था उसका, तो फ़ोन हाथ में ऑन तो रहता ही है सभी का, तो जब फोन साथ में हो तो शायद उस बिजली की किरण ज़्यादा हो, होने को कौन टाल सकता है, हो गया होगा वो कैसे भी, मतलब होना नहीं चाहिए। और जितना हो सके घर में ही रहिए आप लोग भी, और हम मिलते हैं फिर कल किसी अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय एंड गुड नाइट।